सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं जा रहा हूँ मेरी मम्मी को सरप्राइज़ देने। दोस्तों अभी मैं हूँ उदयपुर और टाइम हो रहा है 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं निकलने वाला हूँ गांव के लिए। सो कितनी बजे पहुँचूँगा वहाँ पे वो तो नहीं पता, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं आपको बताऊँगा और सरप्राइज़ क्या है वो मैं आपको घर जाने के बाद ही बताऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ, मैं अपना जो भी है सामान पैक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ बाहर, देखता हूँ बस कब मिलती है, फिर निकलेंगे। दोस्तों मैं घर से निकला था 8:30 बजे, पहली बस में बैठा वो खराब हो गई। क्या बोला तूने? एक घंटा उसने लगा दिया, गुआना बाईपास से थोड़ा सा आगे जाके बंद हो गई। दूसरी बस में बैठा तो अभी वो यहाँ पे होटल पे रुकी हुई है। रात के 12 बज गए दोस्तों, 3 घंटे का रास्ता है, उसके बजाय 6 घंटे हो गए और मैं 12 बजे यहीं पे बैठा हूँ। पता नहीं कितनी बजे घर में पहुँचूँगा। इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, हर बार ही मेरे साथ ऐसे ही होता है, इस बार भी ऐसे ही हो रहा है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अभी देखते हैं क्या होता है आगे जाके। मैं जाता हूँ, अभी कोई लेने वाला भी नहीं है, सो आगे और खतरनाक फिल्म बनेगी। एक चीज़ की कमी थी दोस्तों, वो भी पूरी होगी। 2 किलोमीटर भी नहीं हुए होटल से निकले और यहाँ पे पहिए ने दम तोड़ दिया। भी क्या बताऊँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ। शायद आज की रात तो मैं घर पे नहीं पहुँच पाऊँगा। सुबह साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, हो जाएगी मेरे को बोलते। अभी देख लो, गाइस 1 घंटे बाद रात के 1 बज गए हैं, अभी टायर लग चुका है। अभी निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों इसके आगे का मैं जो आपको बताऊंगा वो सुन के आप मेरे ऊपर हंसने लगोगे। दोस्तों वहाँ पर गाड़ी ठीक हो गई थी, 2 बजे हम वहाँ से निकले थे, 2 बजे हम वहाँ से निकले थे, उसके बाद मैं आगे आया, मेरी नींद लग गई थी तो बस वाले ने मेरे को उतारा। मेरे को लगा कुछ जानी पहचानी जगह है तो मैं भी उतर गया। उतर के देखा तो दोस्तों चारों तरफ पहाड़ियाँ थी सिर्फ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे जाऊँ या पीछे। मैप में देखा तो गांव 10 किलोमीटर पीछे रह गया था। ऐसे में अभी मेरा फ़ोन भी चार्ज था 1 से 2% के करीब। सोचा यार अभी रात को वापस जाऊंगा, फ़ोन बंद हो गया तो प्रॉब्लम, क्योंकि रास्ता आगे बहुत ज़्यादा ख़राब था। ऐसे में यहाँ पे होटल थी, बंद थी वो भी। मैं आया यहाँ पे, ये भैया थोड़े अच्छे हैं, मैं आया तो ये इनकी आँख खुल गई, फ़ोन चार्ज किया मैंने और यहाँ पे फिर मेरी आँख लग गई। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और अब मैं जाऊंगा घर पे। दोस्तों कल रात को 8:30 बजे से मैं घर पे जा ही रहा हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है तक, और अभी पता नहीं कितना टाइम और लगेगा मेरे को, क्योंकि अभी भी मैं यहीं पे हूँ। रात को भी मैंने बहुत सारे कॉल्स किए थे फ्रेंड्स को, लेकिन रात को भी 2 बजे कौन कॉल उठाया यार, मैं भी वो तक शायद नहीं उठा पाता, सिचुएशन समझ सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपने देखी मेरे साथ, तीसरी बार हुआ ये मेरे साथ हर दिन होता है, दिन में 5 बार सोचता हूँ यहाँ पे कैमरा लगा दूँ ताकि ये सब आपको बताया पड़े। अरे कहना क्या चाहते हो? तो दोस्तों चलता हूँ मैं, देखता हूँ अभी कौन आता है, मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी भैया जी थोड़े चाय वाय बना रहे हैं तो चाय पी के निकलता हूँ यहाँ से। कोई कॉल उठाता है तो ठीक, नहीं उठाता है तो अब 2 पैरों पे।
गाइज फाइनली सुबह के 8 बजे घर पे पहुंच गया हूँ और ये रे मम्मी साथ में ही है। दोस्तों आज के बाद 3 घंटे कभी नहीं बोलूँगा मैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 3 घंटे का रास्ता नहीं है, मेरे को 12 घंटे लग गए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मुंबई से आ रहा हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अभी आया हूँ, खाना वाना खाऊंगा क्योंकि कल पूरा दिन नहीं खा पाया, क्योंकि कल मेरा उपवास था मंगलवार का, तो पूरे दिन कल खाया नहीं। तो अभी सुबह अभी खाना खाऊंगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूंगा क्योंकि आप देख रहे पूरी रात से क्या हो रहा है। और दोस्तों जो मैं देना चाहता था सरप्राइज वो ये है, जिससे पकड़ पकड़ के मेरे हाथों की नसें फट गई। अब जाके थोड़ा सुकून आया है, घर पे पहुंच गया फाइनली। तो यही था सरप्राइज, मुझे कितने मिल गए वो तो आप ही देख ही रहे हो। एक ही दिन में इतने सारे सरप्राइज मिलते रहते हैं मेरे को, रोज मिलते हैं, लेकिन मैं आपको कभी कभी बता पाता हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, और भी मज़ेदार होगा और भी अच्छा होगा। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हम भी अपना काम करते रहेंगे। भाई को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेट ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।